वालेकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद है पहले से होंगे मैं भी ठीक अल्लाह का शुक्र आज बनाने जा रही हूँ पालक पनीर बेहतरीन रेसिपी आप खाएंगे तो न, मज़े एंजॉय करेंगे तो आइए शुरू करते हैं पालक पनीर की रेसिपी बिसमिल्ल अरहमान राहीम सबसे पहले मैंने एक बोल ले लिया हांडी ले ली उसमें पानी गरम रख दिया और ये पालक को मैंने अच्छी तरह धो लिया है इसके वो सिरे जो होते हैं वो उतार लिए और इसको धोना तो बहुत अच्छे से होता है ताकि उसमें वो मिट्टी वग़ैरह रेत कंकर ना रह जाए तो बस फिर उसको हमने ना उबाल लिया उबाल के फिर उसको ना ग्राइंड करना है और फिर हांडी में हमने डाला आयल लहसुन ब्राउन किया और उसमें प्याज डालें उनको भी हल्का सा ब्राउन कर देना है ज़्यादा नहीं करना तो ज़्यादा ब्राउन करें तो वो फिर जायका खराब हो जाता है हांडी का ना इसका पालक का तो फिर इसमें जाएंगे मिसाले नमक कुटी मिर्च और साबुत धनिया साबत धनिया दो चम्मच डाल दिए थे मैंने और बाकी एक एक चम्मच क्योंकि ये पालक एक किलो के करीब है थोड़ी सी कम है तो इनको अच्छी तरह भून लेना है फिर इसमें जाएगी टमाटर प्यूरी बेशक आप टमाटर काट के भी डाल सकते हैं तो मैंने बहुत सी बना के रखी हुई है टमाटो प्यूरी और वही डाल देती हूँ जब ये भुन जाए अच्छी तरह मसाला तो ग्राइंड की हुई पालक हमने इसमें ऐड कर देनी है फिर इसको ना अच्छी तरह भूनते रहना है बुनाई इसकी होगी ऑयल निकलेगा फिर इसमें और चीज़ें ऐड करेंगे गरम मसाला और मिर्चें कम लग रही थी फिर मैंने और डाल दी कुटी हुई कुटी हुई मिर्चों से इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है और फिर इस स्टेज पे जब बुनाई हो जाए तो दूध डालना है फिर दूध डाल के भूनना है बस इसको अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ग्राइंड की हुई है और बस इसी तरह इसको ना बुनाई बुनाई में ये पक जाती है और दूध डाल के भी अच्छी तरह चम्मच चलाते रहना है बस ये देखें ये हमारी तैयार हो गई है और चूल्हे को इस स्टेज पे आके हम बंद कर देंगे क्योंकि ये हांडी गर्म होती है काफ़ी देर तक चूल्हा बंद करने के बाद भी पकती रहती है तो बस फिर हमने बोल ले लिया पनीर भी मैंने घर में खुद ही बना लिया है तो बाहर से फिर लाना बड़ा मुश्किल होता है कौन जाए ला के दे या खुद जाओ ले के आओ <laughs> तो पनीर फिर मैंने घर में बना लिया था तो या पहले से ला के रखा हो तो बस ये पालक को हमने निकाल लिया डिश आउट किया फिर उसके ऊपर पनीर रखी कटिंग करके और तड़का लगा देते हैं तड़के में लहसुन और गोल मिर्च है ज़ीरा डालना चाहें आप वो भी डाल सकते हैं तो बहुत खुशबूएं आ रही हैं किचन में सही लहसुन की है, मिर्चों की हर चीज़ की और ये देखें जबरदस्त तड़का हमारा तैयार हो गया और ज़बरदस्त सी पालक भी तैयार हो गई है तो ये गोश्त और चिकन और हर चीज़ को इसने पीछे छोड़ दिया है इतनी अच्छी शक्ल भी इसकी बहुत अच्छी गुड लुकिंग और आइए इसको सर्व करते हैं राइस के साथ भी बहुत अच्छी लगती है रोटी के साथ भी अच्छी लगती है खाली चम्मच से खाएं तो भी टाइटिंग वाले लोग इसको आयल कम करके खा सकते हैं आयल इसमें कम रखें और इससे आपकी भी जिसम की पूरी होती रहती है और चम्मच से खाने से रोटी ना खाएं और बेहतरीन सी डाइट आपकी तैयार है साथ सैलड बना लें प्याज़ टमाटर और पनीर आपको न्यूट्रिशन देगी अलग से मतलब ये एक फुल डाइट है पालक पनीर और थोड़ा सा सैलड इस ये खाएंगे तो आपको और अलग से कुछ खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जिन और को भूख लगी है वो तो खैर रोटी और चावल खाएं मज़े करें एंजॉय करें तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें कमेंट्स बॉक्स में लिखा करें आप कहाँ से हैं और देखें ये कितना अच्छी तैयार हो गई पालक पनीर प्लेटर कितना पालक को ग्रीन रखने का तरीका ये है कि आप उसको ना जब बॉइल कर लें तो निकाल के फ्रिज में रख दें उसके बाद ग्राइंड करें या बर्फ़ वाले ठंडे पानी में इसको डाल दें तो ये फिर इसी तरह ग्रीन ग्रीन रहेगी वरना पकाने के बाद वो पालक का हमेशा कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था बोइल करके पानी से निकाल के गर्म पानी से तो फ्रिज में रख दिया था तो फिर ठंडी जब हो गई तो फिर मैंने इसको ग्राइंड किया था तो इसी तरह आपने फॉलो करना है तो अब मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़